गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आवाज बहुत तेज है एसी की, एसी कम करता हूँ मैं पहले तो। ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल संजू गाया ट्रैवलर। कैसे हो, केमचो मजामा, सब अच्छा ही होगा आई बिलीव। क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा। अच्छा चलो मैं बताता हूँ आज के प्लानिंग क्या है मेरी। अभी मैं जा रहा हूँ, अभी नहा धो के निकला हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ एक बूस्टर डोज लेने के लिए कोविड की। और अगर आपने कोविड के इंजेक्शन नहीं लिए हों तो प्लीज़ आप भी ले लीजिए, विच बहुत ही ज़रूरी है। बड़ा भयंकर पेंडेमिक आया था, अभी भी चल रहा है, तो इसको मिल के ही हम लड़ेंगे तो ही इसको हम हरा पाएंगे। ओके व्हाटएवर, जो भी है। तो मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक अपना डिपार्टमेंटल स्टोर है, उसी के अंदर फार्मेसी है, दैट्स कॉल्ड पब्लिक्स फार्मेसी। सो वहाँ पे मैं जाऊँगा, मेरी अपॉइंटमेंट है 11 o'clock की। तो जाता हूँ, बूस्टर लेता हूँ, आपको भी दिखाता हूँ कैसे यहाँ पे प्रोसेस होता है। इट्स वेरी इजी, नॉट टू हार्ड। चलो इंजॉय करते हैं, साथ में इंजेक्शन लेते हैं और बुखार को बुलाते हैं। कहाँ जा रहे हो सोलंकी साहब? कैमरे में देख के ना बैक करना थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि मैं वीडियो भी बना रहा हूँ और कैमरे को देख के उसको ड्राइव कर रहा हूँ, विच इज हार्ड। चलो भैया चलते हैं, लेट्स गो। आपके लिए ये देखो, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमारा हम लोग कंट्री साइड में रहते हैं, तो कंट्री साइड में कुछ ऐसा नजारा है। साइड में बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं, लेक्स हैं। एक्चुअली ना ये लेक काउंटी है, तो यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं, मोर देन थाउजेंड्स लेक्स हैं। हर गली नुक्कड़ पे लेक्स है। अगर मैं अगर यहाँ पे गाड़ी रोक के आपको लेक दिखाने लगूँ, तो मेरे लेफ्ट साइड में भी लेक है, जस्ट पेड़ों के बैक साइड में। एक राइट में भी लेक है अंदर की तरफ। तो छोटी बड़ी बहुत सारी लेक है, फिर बहुत सारी बड़ी बड़ी लेक्स भी हैं जो कि बहुत ही ह्यूज हैं, बड़ी सुंदर लगती है। कैमरा तो हिल रहा है यार, कैमरा तो हिल रहा है। इसको ऐसे रखते हैं तो नहीं हिलेगा शायद, हाथ पकड़ लिया इसको तो मोमेंट नहीं होगी। चलो देखते हैं आगे जो भी है। एक और गिम्बल खरीदना ही पड़ेगा। ये गैस स्टेशन है, इसमें मैं घुस गया हूँ क्योंकि मुझे दूसरे रोड पे जाना था। ये अच्छा है कि यहाँ इस गैस स्टेशन के एग्जिट दूसरे रोड पे लगती है, एंट्रेंस दूसरे रोड पे लगती है, तो मुझे इजी हो जाता है। पहले अभी बड़ा चक्कर लगा के आना पड़ता था, ये रिसेंटली अभी बना है। ओहो रेड लाइट आ गई, नया सामने टैको बेल बन भी बन गया है, खाने पीने के अच्छा हिसाब किताब हो गया है। इसी की इसी प्लाजा के अंदर फार्मेसी भी है। मैं पहुंच गया हूँ, ये सामने है पब्लिक्स फूड एंड फार्मेसी स्टोर। थोड़ी ग्रोसरी भी कर लेंगे आए हैं तो। चलो मैं अंदर लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसा स्टोर कैसा होता है यहाँ पे। वैसे तो सबको पता ही है, सेम ही होते हैं आजकल इंडिया में भी, तो बहुत होते हैं। ओके गाइस, क्रिसमस जा चुका है, न्यू ईयर आने वाला है, तो उसकी प्रिपरेशन हो रही है हर स्टोर के अंदर। वेलकम 2022। ये कुछ ऐसा स्टोर है, ये सामने बेकरी है, इधर पीछे फूड सेक्शन है, डेली है ये। इधर डेली से आप सैंडविच वगैरह, सैंडविच बहुत अच्छा होता है एक्चुअली ना पब्लिक्स का। ये इधर है वेजिटेबल एंड फूड सेक्शन, जो कि हमारा सबसे फेवरेट सेक्शन है, बिकॉज ऑल इंडियन मैक्सिमम इंडियंस वेजिटेरियन ही होते हैं। जो चिकन विकन भी खाते हैं वो भी पार्शली खाते हैं, हमेशा तो नहीं खाते, रेगुलर डाइट में तो कम ही होता है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया।
उनको आलू पूरी बनाने का शौक़ चढ़ा है, तो बोला कि लेते आना। मैं ले लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, जब अपने लिए लिया है तो बच्चों के लिए भी कुछ लेते हैं। बच्चे यानी मेरे पेट, एक का नाम है सैफू, एक का नाम है रिकी। इधर कुछ चिकन का आइटम दिखाई दे रहा है, तो मैं कुछ चिकन का आइटम लेता हूँ, चलो उनके लिए कुछ ले लेता हूँ। और ये है पेट की आइल्स, इसमें पेट फूड मिलता है, तो मुझे लेना है उनके लिए समथिंग स्पेशल ट्रीट। जब भी मैं यहाँ कभी आता हूँ ग्रोसरी करने के लिए, तो उनके लिए भी जरूर कुछ लेके जाता हूँ। यूजली तो वो अपना रेगुलर फूड खाते ही हैं, ये उन्हें बड़ा पसंद है ऐसा ना, फ्रेश पैक करके ना, पूरे एक स्लाइस है, ये दो डॉग्स के लिए इजीली इनफ होता है। तो मैं एक उनके लिए ले लेता हूँ, हर बारी जब भी आता हूँ तो खुश हो जाते हैं वो, आज बहुत हैप्पी होंगे शाम को। और वैसा चिकन भी ले लेता हूँ, रॉ चिकन भी, तो मैं उनके लिए ना चावल बनाता हूँ बड़े मस्त, वो भी बड़े पसंद है, तो कल उनके लिए चावल बनाऊँगा। कैन फूड खा खा के ना वो भी बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको पसंद नहीं आता, उनको थोड़ा है अपने स्टाइल का। वैसे तो मैं हल्दी बनाता हूँ, उसके अंदर सिर्फ गाजर वगैरह डालता हूँ और थोड़ा आलू डालता हूँ और हल्के से पिंच ऑफ टर्मरिक डालता हूँ, और चिकन और राइस, दैट्स इट। चलो जी उनके लिए राइस, मैं चिकन ले लेता हूँ पहले उनके लिए। ये ऐसे सारी आइल्स हैं, बहुत सारी अलग अलग आइल्स के अंदर अलग अलग चीज़। ये फ्रोजन सेक्शन है, फ्रोजन सेक्शन से मुझे क्या चाहिए था, कुछ चाहिए फ्रोजन सेक्शन से भी। मटर चाहिए थी आई थिंक सो। चलो मैं लेता हूँ, चलो मैं ना आपको सबसे पहले अपनी फेवरेट आइल्स दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है हर रोज, बट कभी कभार तो चलता है यार। तो ये साइड में बियर का कूलर है, वाइन ही वाइन है, सो मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ वाइन्स। चलो कुछ बाय करते हैं अपने लिए। पहले तो कुछ एग्स लेने हैं मुझे, मैं एक्चुअली लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपने ग्रीन वेज के ऑर्गेनिक एग्स ही लेता हूँ। चलो पहले इसमें ना चेक कर लिया जाए, थोड़ा महंगे होते हैं। ये है 7.69 की एक ट्रे है, जिसके अंदर देखो टूटा हुआ निकला ना, दूसरी ट्रे देखनी पड़ेगी। दूसरी ट्रे लेता हूँ, चेक करो पहले, इज गुड या दोस लुक गुड। ओके, ये है 7.69 के, 12 एक्स है इसके अंदर, नहीं सॉरी 18 है, 18 एक्स है इसके अंदर। अभी मुझे दही और दूध और लेना है, वो ले लेता हूँ, ये डेली डेयरी प्रोड्यूस में आ चुका हूँ मैं ऑलरेडी। ओके, देयर इज वन, देयर इज टू। देखो दही ना कुछ ऐसे ऐसे डब्बों में आती है, ये भी मैं इसी के लेता हूँ, ऑर्गेनिक लेता हूँ। ये पिछले कुछ 4-6 महीनों से मैंने ऑर्गेनिक लेना शुरू कर दिया है। और मुझे अभी दूध भी लेना है, ये छो सारी मीठी दही है इधर, दूध रहा, ये भी मैं ऑर्गेनिक ही लेता हूँ, सेम कंपनी का, ग्रीन वेज का, ग्रीन वाइज सॉरी। ओके चलते, और ये सामने फार्मेसी है, यू गाइस कैन सी द फार्मेसी, बट मेरा कट चुका है गाइस, क्योंकि मैं ना लेट हो गया, और वो जो भी है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव वो ना लंच पे चली गई, और 3 बजे के बाद मेरा नंबर आएगा। अब 1 घंटा कहाँ मैं वेस्ट करूँ, मैं सोच रहा हूँ वापस घर चला जाता हूँ, बाद में देखते हैं कुछ। चलो एक चीज़ और याद आ गई, चीज़ से मुझे याद आ गया, मुझे चीज़ भी लेना है, और ये चीज़ सेक्शन है, इसी को देख के मुझे याद आया। चलो भाई मेरी ग्रोसरी डन हो गई है, अब मुझे आधा घंटा और स्पेंड करना है अपना बूस्टर इंजेक्शन लेने से पहले। मैं जा रहा हूँ, जब तक अपना सारी ग्रोसरी गाड़ी में रख देता हूँ। एक मेरी प्रॉपर्टी है यानी अगर, जब तक उसका एक राउंड लगा के आता हूँ, चेक करके आता हूँ, तो उसके बाद मैं वापस आके फिर दोबारा बूस्टर लूँगा। मेरा टोटल बिल बना इस ग्रोसरी का 68.69 डॉलर।
चलो जी, मैं गाड़ी में रख देता हूँ अपनी में। देखो मैं ना चार या पांच आइटम लेने के लिए आया था, और उसके बाद ग्रोसरी कितनी ले ली। इसलिए कहते हैं ना, आदमी को तो ग्रोसरी करने आना ही नहीं चाहिए, आदमी तो ऐसे ही होते हैं। बट सारी बेसिक आइटम है जो घर में मेरे रेगुलर लगती हैं, मुझे पता है क्योंकि मैं कुकिंग करता हूं, और यहां पे हर किसी को कुकिंग करनी होती है। ये मैंने अपनी ग्रोसरी रखने के बाद पीछे एक नेट लगा दिया है ताकि मेरा सामान गिरे ना, और इसको अब ये ट्रॉली है, इसको उसकी जगह पे पहुंचा दिया जाए जहां पे अपनी ट्रॉली रखी जाती है। हो गया है, और अब हम चलते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, एक राउंड अपनी ओल्ड कम्युनिटी का लगा के आते हैं। गर्मी हो रही है यार, दिसंबर के महीने में दो दिन रह गए हैं 31st के। दो दिन भी कहाँ, हाँ दो दिन ही, आज क्या 29 है ना, हाँ दो दिन रह गए, फिर भी इतनी गर्मी। आई डोंट नो, इज दिस सेंट्रल फ्लोरिडा, आई डोंट बिलीव इट। क्या एसी चलाओ यार, अमेरिका में भी इतनी गर्मी होती है ना। ओके चलो, मैं आपको अपनी ना ओल्ड कम्युनिटी दिखाता हूँ, जब तक हम ओल्ड कम्युनिटी का एक चक्कर लगा के आते हैं। कोई नहीं आ रहा, चलो। वैसे स्टॉप साइन पे ना इससे ज़्यादा देर रुकना चाहिए, मैं थोड़ा कम रुका, अभी दूसरा स्टॉप साइन आता हूँ, तो लाइक 4-5 काउंटिंग तक तो हमें रुकना ही चाहिए। 5 काउंट करें जब तक उतनी देर रुकना चाहिए, दोनों तरफ देखो और फिर निकल जाओ लाइक दिस। नोबडी इज कमिंग, सो नाउ इज माय टर्न टू गो। तो इसके पहली वाली कम्युनिटी के बिल्कुल साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था ये ग्रोसरी स्टोर, पब्लिक्स ग्रोसरी स्टोर है। ये सबसे बेस्ट ग्रोसरी होती है इसकी फ्लोरिडा के अंदर, आई थिंक सो। ये सिर्फ फ्लोरिडा में ही होता है, फ्लोरिडा से बाहर नहीं होता, क्या होता भी होगा व्हाटएवर, नहीं हाँ होता है यार, दूसरा स्टोर एक है वो नहीं होता, बहुत और दूसरी कुछ स्टेटों में भी होते हैं। एंड आई एम नॉट श्योर बट गूगल कर लेना। ओल्ड कम्युनिटी, आज क्या थर्सडे है क्या, हाँ आज वेंसडे है, थर्सडे को यहाँ पे ना ये गार्बेज कैन देखा होगा आपने ब्लू कलर का, सो थर्सडे को दोनों तरीके का, अभी तो लोगों ने रखे नहीं है, शाम तक रख देंगे। ऐसे दो तरीके के गार्बेज कैन होते हैं, येलो होता है एक ब्लू होता है इस कम्युनिटी के अंदर, कई जगहों पे ग्रीन वो होता है ब्लू, कई जगहों पे ग्रीन होता है और ब्लू होता है, तो इस तरीके से होते हैं। तो ब्लू अक्सर जो होता है वो गीले ट्रैश के लिए होता है, जो वेट ट्रैश होता है हमारा उसके लिए, और दूसरा जो होता है ग्रीन और येलो इस कलर में जो होता है। ये मेरा पुराना घर है जो अभी मैंने रेंट आउट कर रखा है, तो ये हमारी पुरानी कम्युनिटी है, यहाँ का भी हम रहते थे, कितने साल रहे हैं हम यहाँ, 2000 से लेके 21 तक, मई तक, अभी 6 महीने पहले मूव हुए हम यहाँ से, बट हमने अपने घर को बेचा नहीं है, हमने अपने पास रखा है, और इसको हम कभी बेचेंगे नहीं, भगवान ना करे हमें इसे बेचना पड़े, भगवान की हमेशा कृपया बनी रहे। तो मैं बता रहा था जैसे कि मैंने बीच में रुक गया था उसमें, कि जो पब्लिक स्टोर है इसका जो फूड है सबसे बेस्ट फूड है। इसका उसकी एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है, और वो क्या कहते हैं सस्टेन लॉन्ग टाइम तक करता है, लॉन्ग टाइम सस्टेन होता है वो यूजली, और बाकी जो दूसरे स्टोर हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। इसके बाद मुझे जो लगता है फ्लोरिडा के अंदर विंडेक्सी का फूड अच्छा है आफ्टर दैट, बट फर्स्ट वे मैं इसी को रखूँगा पब्लिक्स को। इसके लाइक सब चीज़ है इसकी, वेजिटेबल्स देख लो, इसके डेलीज देख लो, इसके प्रोड्यूस देख लो, सब अच्छा होता है। चलो अभी मैं ना पीछे ग्राउंड लगा के आता हूँ, टाइम पास करना है यार, क्या करूँ टाइम पास कर रहा हूँ, जब तक आपको मैं अपना सेंट्रल फ्लोरिडा भी दिखा देता हूँ। और ये जो सामने जो दिखाई दे रहा है अपने एक देसी भाई का घर है,
पे आप सोचोगे ये घर अकेला इस साइड क्यों है, ये इसलिए है कि ये जो लेफ्ट में मेरे जो देख रहे हो वो मैं दिखाता हूँ अभी, इधर से आगे अभी आगे जाता हूँ तो दिखाता हूँ। ये वाला घर जो है ना बिल्कुल सेपरेट सेक्लूडेड सा जो है, ये जो लेफ्ट कम्युनिटी, लेफ्ट में जो कम्युनिटी है ना, ये अपनी इंडियंस कम्युनिटी है, इंडियंस रिटायरमेंट कम्युनिटी, इट्स कॉल्ड शांति निकेतन। अभी बन रही है लेकिन कुछ पार्ट इसके ऑलरेडी वर्किंग है, मतलब ये ग्रोसरी स्टोर के अंदर ना मैं बैठा हूँ। अभी मैंने अपने वो रजिस्टर करा दिया है और वेट कर रहा हूँ। अभी वो यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव लड़की बैठी हुई थी, वो मेरा फॉर्म लेके गई है फार्मेसी में, और फार्मेसी वाले फिर मुझे बुलाएंगे और मुझे कोविड का इंजेक्शन लगा देंगे। दैट्स अ वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। चलो वेट करते हैं उसका। ओके गाइस, मैं वापस घर आ चुका हूँ, मेरा सारा काम आज का कंप्लीट हो गया है। ग्रोसरी लेने गया था और अपना बूस्टर शॉट्स लेने के लिए गया था, तो जो थर्ड वैक्सीनेशन ऑफ द कोविड है वो मैंने ले ली है। अब मैं रेडी हूँ इंडिया जाने के लिए। और प्लीज़ मैं बंद करूँ उससे पहले, इस वीडियो का एंड करूँ उससे पहले की बात कहना चाहता हूँ यार, सब्सक्राइब करो यार। आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, जब भी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। अभी तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल स्टार्टिंग फेस है। आप जितना ज़्यादा हेल्प करोगे हमारी, उतने ही हम आपको अच्छी वीडियो दिखा पाएंगे। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलो मिलते हैं अगले उसमें वीडियो में।